आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो है एक यूनिक बैकपैक की रिव्यू करने वाले हैं, जो कि देख सकते हो अमेज़न की तरफ से आया है और ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़े पैकेज में आया है। तो इसे जो हम खोलेंगे और रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कैसा है हमारा बैकपैक। बाकी चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने बैकपैक को। तो ये देख सकते हो अपना बैकपैक, साइज तो इसका नॉर्मल है, बट इसका पैकेजिंग जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। बाकी ये है इसका बिल, यहाँ पे जो है इसकी MRP वगैरह सारी मेंशन की गई है, 2599 रुपये, और ये आता है ब्रांड गो कार्ड की तरफ से। तो ये देख सकते हो हमारा बैकपैक, और यहाँ पे है गो कार्ड की ब्रांडिंग की गई है। और कंपार्टमेंट की बात करें तो दो मिनी कंपार्टमेंट इसमें दी गई है। सबसे पहला कंपार्टमेंट तो यहाँ आपको देखने को मिलता है साइड से, और इसकी डेप्थ जो है ज़्यादा नहीं है। इस साइड भी जो है आपको कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, और दोनों का डेप्थ जो है सेम ही है। और बात करें अपने थर्ड मिनी कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसकी डेप्थ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि लास्ट तक जो है इसका डेप्थ है, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कैरी कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं अपने बड़े कंपार्टमेंट, तो इसमें जो है दो चेन दिया गया है जो कि मेटल का है, और चेन की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी दी गई है। और अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये देख सकते हो, उसके अंदर भी जो है आपको तीन कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप पेन वगैरह डायरी वगैरह जो है आसानी से रख सकते हो। और इसके साथ ही इसमें जो आपको केबल देखने को मिलता है, पावर बैंक से कनेक्ट करके आप जो है यहाँ से चार्ज भी बाहर से लगा सकते हो। तो ये जो है मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसमें जो है इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें कैरी कर सकते हो आप। बात करते हैं अपने फाइनल कंपार्टमेंट की, तो वो है लैपटॉप कंपार्टमेंट, और इसमें जो है कुछ स्टेप का स्ट्रिप आपको देखने को मिलता है, और ये है लैपटॉप कंपार्टमेंट। और इसमें जो है पैडिंग वगैरह बहुत ही अच्छी की गई है, जिसके कारण आपके लैपटॉप वगैरह में कोई भी स्क्रेच वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। और मैं जो है लैपटॉप रख के भी दिखाऊंगा, तो वीडियो जो लास्ट तक जरूर देखना। उसके अलावा बैक में अगर हम बात करें तो उसमें जो है पैडिंग बहुत ही अच्छी की गई है। उसके अलावा शोल्डर में जो है आप ये देख सकते हो, शोल्डर में भी जो है काफ़ी अच्छी कुशनिंग की गई है, जिसके कारण आपके शोल्डर वगैरह में पेन की जो है कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसमें एक और चीज़ जो है खास दी गई है, वो है ये देख सकते हो लगेज में जो आप इसे फंसा सकते हो। और इसके बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर की, तो सबसे पहले तो इसमें जो है आप ऑफिस के लिए भी ले जा सकते हो इसे, जो कि यहाँ पे हैंडल जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी, और बैकपैक के लिए आप यहाँ से हैंडल पकड़ सकते हो। और इसमें जो है कोई भी वाटर बॉटल के लिए यहाँ स्पेस नहीं दी गई है, जो कि आप देख सकते हो दोनों साइड जो है कहीं भी वाटर बॉटल का स्पेस नहीं दिया गया है। ऐसे तो ये वाटर प्रूफ है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके साथ जो है रेन कवर कैरी करना। और बैग मुझे काफ़ी सही लगा, और प्राइस रेंज भी 1300 के आसपास है, और सेल वगैरह में इसका प्राइस जो है 1000 के अंडर आ जाता है। अगर आप सेल में परचेज करना चाहते हो या फिर अभी चेकआउट करना चाहते हो, तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैकपैक की रिव्यू करी है मैंने, जो कि वर्थ करता है 10,000, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मस्त बैकपैक है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।